भाई और बहनों, जब किसी व्यक्ति उसकी मूलभूत सुविधाएं मिलती है तो उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है। बढ़ता हुआ ये आत्मविश्वास क्षेत्र का भी विकास करता है और देश का भी विकास करता है। आज हमारी सरकार उन लोगों, उन क्षेत्रों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है जहां पहले सुविधाएं नहीं पहुंची थी। अब व्यवस्था ने उनको सुविधा देने पर बल दिया है। पहले लोगों ने सब कुछ उनके नसीब पर छोड़ दिया था। आप सोचिए, 2014 से पहले तक देश के हर 100 परिवारों में से सिर्फ 50-55 परिवारों के, यानी करीब करीब आधे घरों में ही एलपीजी गैस कनेक्शन था। असम में तो रिफाइनरी और सुविधाओं के बावजूद भी 100 में से सिर्फ 40 परिवारों के पास ही गैस कनेक्शन उपलब्ध था, 60 लोगों के पास नहीं था। गरीब बहनों बेटियों को रसोई के धुएं और बीमारियों के जाल में रहना उनके जीवन की बहुत बड़ी मजबूरी थी। हमने उज्ज्वला योजना के माध्यम से स्थिति को बदल दिया है। असम में आज गैस कनेक्शन का दायरा तकरीबन करीब करीब 100% हो रहा है। यहां बोगई गांव रिफाइनरी के इर्द गिर्द के जिलों में ही 2014 के बाद 3 गुना से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन बढ़ गए हैं। अब इस बार के केंद्रीय बजट में 1 करोड़ और गरीब बहनों को उज्ज्वला के मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने का प्रावधान किया गया है। साथियों, गैस कनेक्शन हो, बिजली कनेक्शन हो, खाद उत्पादन हो, इसमें कमी का सबसे ज्यादा नुकसान हमारे देश के गरीब को, हमारे देश के छोटे किसान को ही होता है। आजादी के दशकों बाद भी जिन 18,000 गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी उनमें से अधिकतर गांव असम के थे, नॉर्थ ईस्ट के थे। पूर्वी भारत के अनेक फर्टिलाइजर कारखाने गैस के अभाव में या तो बंद हो गए या फिर बीमार घोषित कर दिए गए। भुगतना किसको पड़ा? यहां के गरीब को, यहां के मध्यम वर्ग को, यहां के नौजवान को। पहले की गलतियों को सुधारने के लिए उसका काम हमारी सरकार ही कर रही है। आज प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के तहत पूर्वी भारत को दुनिया की बड़ी गैस पाइपलाइन में से एक के जरिए जोड़ा जा रहा है। नीति सही हो, नियत साफ हो तो नियत भी बदल जाती है, नियति भी बदल जाती है। बुरी नियत का खात्मा हो जाता है और नियति जन जन का भाग्य भी बदलती है। आज देश में जो गैस पाइपलाइन का नेटवर्क तैयार हो रहा है, देश के हर गांव तक ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जा रहा है, हर घर जल पहुंचाने के लिए पाइप लगाया जा रहा है,
ये भारत मां की गोद में ये जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया जा रहा है वो सिर्फ लोहे की पाइप या फाइबर नहीं है, ये तो भारत मां की नई भाग्य रेखाएं हैं।